एंड नैन्सी बुटीक चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सूट के गले, जो बिना बुकरम के हम बनाएंगे। कढ़ाई वाले जो गले होते हैं उसको हम बिना बुकरम के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गला है कढ़ाई वाला, तो इसको हम आज बिना बुकरम के बनाने वाले हैं। और ये ब्रॉड है, हमें डिमांड आई है कि इसे हमें पूरा बनाना है, जितनी एम्ब्रॉयडरी है उतना। और नॉर्मली हम बनाते हैं 6 पर, देखिए 3-6। अगर हम नॉर्मली बनाते तो इतना आना था, लेकिन मेरे पास डिमांड है कि मुझे ये ब्रॉड में चाहिए। तो अब हम इसके किनारे किनारे इस तरह से गला बनाएंगे कि बिल्कुल किनारे आए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ब्रॉड है 7। तो हम कपड़े पे भी हम इसे 7 इंच पे नापेंगे। 7 का आधा 3.5। तो ये देखिए 3.5 पे हमने निशान लगा लिया। तो ये ब्रॉड है हमारा, इसको यहाँ से कुटका लगा लेते हैं। और ये सेंटर में भी हम कुटका लगा लेंगे, इसको नाखून से क्रीज बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए अब इस गले को हम ऐसे, इसको अब हम ऐसे उल्टा रखेंगे, इसको कुटका लगा लेंगे सेंटर में। ये देखिए कुटके से कुटका मिला दिया हमने इस तरह से। अब हम पहले बीच में लाइन खींच लेंगे। और ये टिश्यू पेपर है, ये उतर जाता है, इसको हम इस तरह से फाड़ देंगे। चाहे अभी फाड़ दीजिए आप, चाहे बाद में फाड़ दीजिएगा। ये देखिए ये टिश्यू पेपर है। अब हम इसको, ताकि ये गला हिले ना, इसके लिए हम बीच में सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और कभी भी हमें अगर मशीन को रोकना है तो सुई अंदर होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। और अब इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब ये हम इधर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह से। देखो किनारे किनारे पर, क्योंकि हमें ब्लैक कपड़ा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए इस तरह से। कभी भी हमें अगर चेंज करना है ना तो सुई अंदर रहनी चाहिए। कभी भी हमें मशीन का पैर उठाना पड़े तो अंदर रहना चाहिए, नहीं तो पॉइंट आउट हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आप उठाएं, अगर इसको घुमाना है तो सुई अंदर होनी चाहिए मशीन के। तो देखिए इस तरह से, इस तरह से अब हमें चेंज करना है, इस तरह घुमाना है तो सुई अंदर रहनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कोने में ला के हम फिर मशीन अंदर रहेगी, ऐसे घुमा लेंगे हम ऐसे, इस तरह से सेंटर का भी आउट नहीं होता। तो हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और 1/2 इंच दबाव हो जाएगा। तो अब इसको हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो देखिए इधर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो ये देखिए हम कुटका लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि आसानी से और फिनिशिंग से ये मुड़ जाए। ये देखिए हमने कटिंग कर ली। अब इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर पे लब की सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से एक किनारी किनारी के लब की सिलाई लगा लेंगे, ताकि आसानी से और फिनिशिंग से ये गला अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। अगर फ्रेंड्स आप इस तरह से करेंगे आपकी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से आएगी। तो देखिए यहाँ पे सुई अंदर रहनी चाहिए इस तरह से। अब हम इधर भी गलत कर लेंगे सिलाई। तो ये देखिए गला फोल्ड हो गया हमारा इस तरह से। अब इसको अंदर की साइड हम इस तरह से कर लेंगे।
ये देखिए ऐसे। अब आप चाहे तो लपकी सिलाई लगा सकते हैं और अगर ना लगाना चाहे तो ये देखिए। अब मैं इसके लिए लाल धागा चेंज कर रही हूँ ताकि जो है ब्लैक सूट है इस पर दिखाई ना दे। तो मैं जो रेड धागा लगा रही हूँ तो ये देखिए। अब हम इस पर लपकी सिलाई लगाएंगे। लपकी सिलाई लगाने से थोड़ा फिनिशिंग आ जाती है तो अब हम इस पर लपकी सिलाई लगा देंगे ये देखिए। और जब भी हमें थोड़ा घुमाना होता है कपड़े को तो सुई मशीन के अंदर ही रहनी चाहिए, कपड़े से बाहर नहीं आनी चाहिए। इससे जो है सिलाई अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो इस तरह से हम ये पान का गला हमारा तैयार हो जाएगा। इसको हम लपकी सिलाई लगा देते हैं फिनिशिंग से। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए हम लपकी सिलाई लगा देंगे ये देखिए। हाँ जी ऐसे। हाँ सुई अंदर ही रहनी चाहिए मैंने बताया आपको। तो इससे जो है गले में या सिलाई में फिनिशिंग आती है। इस तरह से हम जो है ये सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए गला तैयार हो गया है। इस तरह से हमने ये लपकी सिलाई लगा ली। अब धागा कट करके इसको हम धागा कट कर देंगे, दोनों तरह से फिनिशिंग कर देंगे ये देखिए। अब इसको बैक साइड से देखेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट देंगे और ये धागा फिर से चेंज कर लेंगे। रेड धागा हटा के रख के मार्जिन और इसको कटिंग कर देंगे। वैसे भी इतना ही रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे ये देखिए। और इसको जो है इस तरह से हम आधा आधा इंच अंदर मार्जिन देके इस तरह से कच्चा कर देंगे। कच्चा करने से जो है तुरपाई ईजली हो जाती है, इसलिए हम इसे कच्चा करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मार्जिन देते हुए आप कच्चा करके ये देखिए। यहाँ पे भी इस तरह से फिनिशिंग। ये हमारा गला कंप्लीट हो गया। बिना बुकरम के हमने गला बनाया कम समय में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए गला बनके तैयार है। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया हो तो प्लीज़, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे से अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ आपके लिए। थैंक यू।